हाय दोस्तों, आज मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ ये ब्लूटूथ डिवाइस अपने हेलमेट में। एंड किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह से इसकी वर्किंग है, क्या फीचर्स हैं, क्या डिटेलिंग है, C5 और इंटरकॉम में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी डिटेलिंग भी इसी वीडियो में कवर होने वाली है। तो मेक श्योर इस वीडियो का जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग में देखते हैं क्या क्या चीज़ आती हैं। और उससे पहले बता दूँ कि ये जो है दोस्तों हेलमेट वायरलेस ईयरफोन, मतलब इसको ब्लूटूथ डिवाइस कहते हैं। ये इंटरकॉम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ब्लूटूथ डिवाइस होता है जिसमें कि आप कॉल पिकअप कर सकते हैं, म्यूजिक जो है सुन सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप इसमें जो है नेविगेशन के इंस्ट्रक्शन जो है वो भी जो है इजीली सुन सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके फ़ोन को जो है आपके हेलमेट से पूरा कनेक्ट कर देता है एंड उससे जो है सारे इंस्ट्रक्शन जो है आप वो कर सकते हैं। एंड इसमें लॉन्ग बैटरी लाइफ भी है, 1000 mAh की बैटरी भी है एंड ऐसे बहुत सारे फीचर्स भी हैं जो अभी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्ट टाइम पहले जो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। तो पहला जो सबसे मेन चीज़ है ये है वो डिवाइस, ठीक है। तो डिवाइस को भी करते हैं बाजू में, पहले देखते हैं बाकी और चीज़ क्या आती है। तो ये पूरा माइक और हेडफोन का पूरा सेट है, इसके अंदर दो माइक आती हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। तो वो भी इसको ओपन करेंगे, दिखाता हूँ आपको। फिर ये इसका हेलमेट में जो माउंटिंग लगेगा वो है पूरा ये। एंड उसके बाद में ये पूरे जो जितने भी हेडफोन और बाकी सब के जो टेपिंग्स है वो सब इसके अंदर दिए हुए हैं। यहाँ पर एक सी टाइप चार्जर आपको दिख रहा है एंड लास्ट इसमें एक मैनुअल दिया हुआ है। बाकी बॉक्स पूरा खाली हो गया, वो दिखाते हैं कैसे जो अब इसको इंस्टॉल करते हैं। थोड़ा डिवाइस के बारे में जो है बात कर लेते हैं। अब डिवाइस में अगर आप ये पहले फ्रंट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकेंड्स के लिए तो ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप ये देखते हैं डिवाइस जो है स्टार्ट हो गया, ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब ब्लूटूथ अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। एंड एम से जो है यहाँ पर आपका जो RGB लाइट्स होती हैं वो जो है चेंज होती हैं इसमें। तो ये एक मोड आता है, थोड़ा फैंसी स्टाइलिश थोड़ा लुक देता है हेलमेट में, ठीक है। तो इसमें अलग अलग लाइट्स जो है वो आप कर सकते हैं, इस तरह की लाइटिंग जो है आप यूज़ इसमें कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा एक हेलमेट को एक अट्रैक्टिव लुक देगा। बाकी लुक के लिए ये RGB लाइट। एंड यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि इसकी कनेक्टिविटी जो हेडफोन की वो सी टाइप की है, तो ये हेडफोन कनेक्टिविटी यहाँ लगेगी। एंड यहाँ पे जो है ये इसका चार्जिंग पोर्ट है, वो भी सी टाइप का ही चार्जिंग पोर्ट इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर AI वॉइस असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पर एक स्विच दे रखा है, यहाँ से वॉल्यूम प्लस माइनस के लिए, और यहीं से जो है आप ट्रैक जो म्यूज़िक है वो भी चेंज कर सकते हैं, प्लस या माइनस जो है प्रीवियस या नेक्स्ट के लिए। यहीं से जो आप सिंगल क्लिक करेंगे तो म्यूज़िक चेंज हो जाएगा, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका म्यूज़िक जो है और वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा। एंड इसी के पीछे आप देखते हैं 1000 mAh की बैटरी इसके अंदर दी हुई है, जो मॉडल नंबर है, बाकी डिटेल्स जो है इसके अंदर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोगों को वीडियो में आई होप दिखाई दे रहा हो प्रॉपरली। तो दोस्तों, ये है हेलमेट स्टीलबर्ड का SBA 8 हेलमेट, इसके अंदर मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ इसको। एंड कैसे इंस्टॉल करते हैं वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जो ये आपने फिटिंग क्लैंप देखा था, यहाँ पर इसको जो है आपको यहाँ से थोड़ा पुल करना है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम हेलमेट में ये लेफ्ट हैंड साइड ही लगता है, तो आप ही लेफ्ट हैंड साइड ही इसको ईजिली लगा सकते हैं। इसको पुल करके आपको जो है यहाँ पर ईजिली आप यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। तो लोकेशन आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ जो लगेगा। एंड इसके ऊपर जो यूनिट है, ये मेन यूनिट है, मेन को यूनिट को आपको कुछ नहीं करना है, वो ये बराबर में फिट कर दीजिए। यहाँ पर आपको प्रेस करके इसको नीचे कर देना, ये फिट होगा। तो आप देख सकते हैं ये यूनिट जो है इस तरह से कुछ फिट हो जाएगा और लुक जो है इस तरह से आएगा फिर इसको। और अब इसकी जो जो माइक्स है और हेडफोन्स है उसकी फिटिंग किस तरह से करते हैं वो दिखा पाए, ईजिली आप इंस्टॉल करते हैं इसको। मैं चलिए फिट करता हूँ जल्दी से, फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, फिटिंग जो है हो चुकी है, अब बारी आती है इसको कनेक्ट करने की। इसको थोड़ी देर दबा कर रखेंगे एंड यहाँ आप देखते हैं ये डिवाइस जो है स्टार्ट हो चुका है एंड बार बार ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स ब्लूटूथ कनेक्ट करना है। एंड हम मोबाइल में जो है इसका ब्लूटूथ सर्च करेंगे। C5 आ गया है और कनेक्टेड हो चुका है, अब ब्लिंक होना बंद हो गया है।
ठीक है, लाइट मोड आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ब्लिंक होना जो है वो बंद हो गया, इट मीन्स ये कनेक्टेड हो गया। एंड इसमें कोई म्यूजिक प्ले करके देखते हैं हम, तो आप देख सकते हैं म्यूजिक के हिसाब से जो है इसकी आरबीजी लाइट भी जो है वर्क कर रही है। एंड थोड़ा आपको आवाज भी आ रही होगी हल्की। तो दोस्तों आपने देखी इस ब्लूटूथ डिवाइस की फिटिंग। अब ये इंटरकॉम नहीं है, इंटरकॉम भी मार्केट में आते हैं, अगर आप राइडर्स राइड कंटिन्यूसली करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंटरकॉम लीजिए, V6, V6 Pro और V7 और दूसरे और भी बहुत सारे आते हैं मार्केट में जो अच्छे हैं, बजट फ्रेंडली जितने भी इंटरकॉम है ना, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, ब्लूटूथ डिवाइस का भी दे दूंगा। अगर आप सोलो राइड करते हैं और मैक्सिमम भी सिटी राइड के लिए आपको चाहिए ना, तो ऐसे ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो भी बहुत सही रहते हैं। तो दोस्तों अब आपको इंटरकॉम चाहिए या ब्लूटूथ डिवाइस चाहिए, दोनों ही बेटर है, बट ऐसे डिवाइस आपके लिए ईजी हो जाते हैं, वो बार बार कॉल पिक करना, कॉल आना, गाड़ी रोकना, गाड़ी से चालू चालू बात करते रहना, ये सब चीज़ें मत करिए। ऐसे इंटरकॉम डिवाइस आपके लिए सही रहता है, थोड़ा बहुत म्यूजिक भी मिल जाता है आपको, कॉल भी जो है आप अटेंड कर सकते हैं, और नेविगेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो भी बेस्ट रहता है। तो मेरे हिसाब से बजट फ्रेंडली बहुत सारे हैं, डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट करिए। एंड इसका इस प्रोडक्ट के ऊपर बात करें तो इसका बेस ही मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका रिव्यू भी मार्केट रिव्यू बहुत अच्छा था, एंड बजट फ्रेंडली भी कुछ आई थिंक 2000 rupees के आसपास में जो है इजिली अमेजोन पर अवेलेबल है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए, वहाँ बहुत सारे इंटरकॉम और ब्लूटूथ डिवाइस का जो है लिंक मैंने दिया हुआ है। इंस्टॉलेशन सेम प्रोसेस सब भी में ऐसी रहती है, ठीक है, थोड़ा बहुत बटन्स और स्विच का जो है डिफरेंस रहता है, हालांकि स्विच वैसे चूज करिए जो कि आप ग्लोव्स भी पहने तो भी जो आप इजीली यूज़ कर सके, ज़्यादा क्लोज वाले जितने भी स्विचेज आते हैं ना, ज़्यादा जो बटन्स होते हैं वो भी मत लीजिए। तो यहाँ वीडियो एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखिए ऐसे बहुत सारी वीडियोज आपके लिए आती रहेगी। बाय।